से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये अल्लाह को पता है कब आएगी। मेरे नबी उस साहिल ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, तो आपने फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देगा, वो ये क़यामतें हैं कि आपस में खून गिरेगा, खून गिरेगा और जुल्म सितम आम हो जाएगा और हालात की चक्की हमारे खिलाफ चलना शुरू हो जाएगी, जमीन आसमान की चक्की हमारे खिलाफ चलना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त हम सारे मजमे को तौबा की जरूरत है कि सिर्फ मेरे भाइयों इस खून के बहने के पीछे सिर्फ हुकूमत नहीं है, सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं है, तारिक जमील के गुनाह भी इसके हिस्से में है, तारिक जमील का गुनाह भी इसका सबब है, आपके मेरे इज्तमाई गुनाह भी इसका सबब है। मेरे नबी ने मेरे हजरत अम्मा आयशा से पूछा गया अम्मा जान जलजले क्यों आते हैं, तो हजरत आयशा ने फरमाया जब मौसीकी की महफिलें सजाई जाती हैं, जब गाना बजाना आम होता है और शराब खुले आम पी जाती है और जिना बेगैरती के साथ जिना किया जाता है, तो अल्लाह ताला जमीन को हिला देता है और उसे खिसका देता है। जब जिना बेगैरती के साथ किया जाता है, जिना करने वाले को नदामत नहीं, न मर्द को न औरत को, शराब पीने वाले को नदामत नहीं और जुआ खेलने वाले को नदामत नहीं और चर्स बेचने वाले को नदामत नहीं और हीरोइन बेचने वाले को नदामत नहीं और डाका डालने वाले को नदामत नहीं और कत्ल करने वाले को नदामत नहीं, तो मेरा अल्लाह नाराज होकर निजाम को उल्टा देता है। इज्जत तो खजलफई उदू वाला एक हदीस भी सुन लो, जब हुक्मरान कौमी खजाना लूट लेंगे, वल अमानत मगनमा जब लोग अमानत खा जाएंगे, बस ज़कात मगरमा जब मालदार लोग ज़कात नहीं देंगे, व तुअल्लम लिग़ैर दीन जब उलमा भी दीन के जरिए से दुनिया कमाने लग जाएंगे, व अता अर्रजुल ज़ौजतहु और लोग बीवियों के फरमा बरदार होंगे, व अक़ा उम्मुहु और माओं के नाफरमान होंगे। हाँ, माँ की फरमा बरदारी, माँ की फरमा बरदारी फिर बताता हूँ, वाक़ा व अदना सदीक़ा हो और दोस्त को करीब करेंगे, वाक्सा अबा हो और बाप को धक्के देंगे, और शुरबतुल खमूर और शराब पी जाएगी, वलुबिसल हरीर और रेशम पहना जाएगा, और वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद और मस्जिदों में नफरत की फिजा कायम हो जाएगी और फिरकावारियत की आग भड़क उठेगी, वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ नाचने वालियाँ गाने वालियाँ आम हो जाएंगी, तरम हो जाएंगी, मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी। जब ये सारे काम होंगे तो फिर मेरा अल्लाह अपने अजाब के दरवाजे खोल देगा, गजब के दरवाजे खोल देगा। जब तक तौबा नहीं करेंगे अल्लाह के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। हाँ, माँ की ना फरमानी पे क़यामत कायम हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ चुका होता और इधर से मेरी माँ मुझे कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। और हमने क्या किया, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सलमान का खून को इतना सस्ता है, सातों जमीन आसमान से ज्यादा एक मुसलमान के खून का कतरा कीमती है, सातों जमीन आसमान से ज्यादा पूरी कायनात के खजानों से ज्यादा अर्श फर्श के खजानों से ज्यादा मुसलमान के खून का एक कतरा कीमती है। जब ये नाहक गिरता है तो जमीन से लेकर आसमान तक आग लग जाती है। इस फैसले का दिन दुनिया नहीं है, आगे जब अल्लाह बताएगा आगे।